पनीर दो प्याज़ा एक ऐसी रेसिपी है जिसे आपने किसी रेस्टोरेंट में या फिर ढाबा पे ज़रूर ट्राई किया होगा। पनीर की फेमस डिशेज में से एक है ये, जिसे अक्सर हम ऑर्डर देके खाना पसंद करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे पनीर दो प्याज़ा की सिंपल रेसिपी, जो बेसिक मसालों के साथ बनेगी और इसकी ग्रेवी उतनी ही टेस्टी और क्रीमी बनेगी जितना हम किसी रेस्टोरेंट या फिर ढाबा में ट्राई करते हैं। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए हमें 200 ग्राम पनीर चाहिए, जिसे हम स्क्वायर पीसेस में इस तरह से काट लेंगे। साथ ही आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया मैंने। एक बड़े साइज के प्याज को छील के उसे चार टुकड़ों में काट के इस तरह से उसकी लेयर को अलग कर दीजिए, तो वो एक कप इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब एक बाउल में हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दही, और इसके साथ ही यहाँ पर 1 टेबल स्पून हम क्रीम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो घर की दूध की जो मलाई होती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे बीट कर लीजिए और इसे हम साइड में रख देंगे। ये देखिए, अब एक पैन में हम लगभग आधा छोटी चम्मच के बराबर तेल गरम करेंगे, और यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखना है हमें। इसमें हम प्याज के पेटल को थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें प्याज के पीसेस को ऐड कर देते हैं। इस तरह से फ्राई किए हुए प्याज को ऐड करने से ग्रेवी में अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए, इसे कुछ देर के लिए हमें लगभग 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है कि ऊपर हल्का सा इसमें ब्राउन चिट्टी आ जाए, और इसे हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्याज बिल्कुल तैयार है, इस तरह से वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब सेम पैन में हम तेल ऐड करेंगे लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर। तेल के गर्म होते ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 तेज़पत्ता, आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच सौंफ, और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम के बीच अच्छी तरह से भून लेना है कि जीरा और सौंफ चटक जाए तेल में। तो मिक्स कर लीजिए इसे लगभग 10 सेकेंड के लिए, इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच कलौंजी, और इसे भी कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेंगे। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पे तब तक भूनना है जब तक कि इसका रंग हल्का गुलाबी ना हो जाए। प्याज में जो क्रंचीनेस है वो उसे हमें रखना है इस रेसिपी में। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और बीच बीच में चलाते हुए इसे भूनिए। तो हार्डली आपको 4 से 5 मिनट का समय लगेगा इसे भूनने में। इस बीच हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ, और यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। प्याज का कलर आप देख सकते हैं गुलाबी हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटी चम्मच ऐड किया मैंने, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनिए ताकि इसका कच्चा फ्लेवर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। जैसे ही अदरक लहसुन अच्छी तरह से भून जाएगा, हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया मैंने, इसके साथ यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, और यहाँ पे ऐड किया मैंने 1/2 छोटी चम्मच किचन किंग मसाला पाउडर। अगर ये ना मिले आपको तो सब्जी मसाला आप ऐड कर सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, और इसके साथ ही यहाँ पे जाएगा स्वाद के अनुसार नमक। मैंने डाला है यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। सूखा मसाला हमारा जले ना, इसके लिए यहाँ पे ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब पानी, और यहाँ पे गैस का फ्लेम आपको लो रखना है ताकि मसाला जले ना, और सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से तेल अलग ना हो जाए। तो उससे पहले हम इसे कवर कर देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पे कवर कर देते हैं और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 2 मिनट हो गया है। अब इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड किया मैंने 1/4 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। तो ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, इसके लिए मैंने थोड़ी देर के बाद इसे ऐड किया था। अब डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा रब करके डालिए तो टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। अब सबको अच्छी तरह से भून लेंगे हम, और आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट के अंदर ही इसमें से तेल पूरी तरह से अलग हो जाएगा, और यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखा है हमने। मसाले से तेल पूरी तरह से अलग हो चुका है, तो इस स्टेज पे हम इसमें दही और क्रीम जो हमने पहले से तैयार करके रखा था वो डाल देंगे, और लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनना है। अच्छा क्रीमी टेक्सचर आना चाहिए, दही फटे ना, इसके लिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए। लो फ्लेम पे इसे भूनिए। अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे मिक्स कर लीजिए। जब स्मूथली मिक्स हो जाए उसके बाद आप फ्लेम को ऑन कीजिए। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दही और क्रीम जो मिलाई थी उसी बॉल में मैंने 1/4 कप पानी लेके अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, उसे ऐड कर देते हैं और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे एक बॉयल आने देंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयल आ गया है। तो अब इसमें हम पनीर के पीसेस और प्याज जो हमने पहले से फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पे आप ग्रेवी का टेक्सचर अभी देख सकते हैं, अभी इसे थोड़ा और पकना है तो ये और भी रिच हो जाएगा। तो यहाँ पे सबको अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे हम कवर करेंगे लो फ्लेम पे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि ग्रेवी की जो फ्रेगनेंस है वो पूरी तरह से पनीर के अंदर आ जाए और प्याज भी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे लगभग 7 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी का टेक्सचर। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। इसके साथ ही यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने डाइसेस में कट किया है, उसके बीज को निकाल के। और यहाँ पे ऐड कर देंगे हम 2 चम्मच टमाटो केचप। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इस रेसिपी में ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और कितना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है ये, आप देख सकते हैं। इसकी ग्रेवी थोड़ी सी लटपटी बनती है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे कवर कर देते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए, सब कुछ असेंबल हो जाए। तो लगभग 2 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है और सब्जी का टेक्सचर आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, कलरफुल लग रहा है। और बिल्कुल रेस्टोरेंट से जो सब्ज़ी हम मंगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये लुक दे रहा है। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि हमने बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है, मसाले भी बिल्कुल बेसिक है। इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इसे बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, आसानी से ये तैयार हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।